फ्रॉम द मेहरानगढ़ फोर्ट। को आज भी निशान देखने को मिलेगा जब बीकानेर प्रिंसली स्टेट वहाँ के जो महाराजा थे जब इस मेहरानगढ़ फोर्ट पर हमला किए थे। तो ये आप स्पॉट्स देख सकते हैं। तो जब बीकानेर प्रिंसली स्टेट जब इस पर हमला किया था तो उस वक्त के जो राजा थे राजा मानसिंह सेकंड, तो उस वक्त इस मेहरानगढ़ को बचाए थे। और जब से यहाँ पर एक पोल एक गेट लगा हुआ है इसको विक्ट्री गेट भी कहा जाता है। तो ये जो आपने मेहरानगढ़ जो फोर्ट देख रहे हैं ये इसको बनाने के लिए भी महाराजा जोधा जी को बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा था। तो उस दौरान क्या था कि इस हिल का जो नाम था बगूचा चिड़िया, मतलब द हिल ऑफ बर्ड। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड रहते थे और यहाँ पर एक बगूचा नाथ एक संत भी रहते थे और उनके साथ कई सारे फॉलोअर्स रहा करते थे। तो जब जोधा जी को पसंद आया ये हिल तो उन्होंने साफ मना कर दिया देने के लिए। तो फिर जोधा जी को करणी माता जो मतलब बीकानेर में जो करणी टेम्पल है, जो करणी एक वो भी एक संत थी लेकिन उनके जो अनुयायी मतलब फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा था, तो उनके मदद से फिर यहाँ से बगूचा चिड़िया हिल से इनको फिर हटाया गया और फिर यहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट। तो मेहरानगढ़ का जो पहले नाम था मीरगढ़, मीर एक संस्कृत वर्ड है इसका मतलब होता है सन। तो पूरे वर्ड को अगर मैं मिलाऊँ तो द सिटी ऑफ सन, तो इसलिए आज भी जोधपुर को द ब्लू सिटी भी कहा जाता है और सिटी ऑफ सन भी कहा जाता है। तो अभी जो मैं हूँ ऊपर ये आप ये सबसे टॉप है, यहाँ पर आप बहुत सारे तोप देखेंगे, कैनन्स देखेंगे बड़े बड़े। तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये तोप रखा गया है। तो और ये पूरा आपका सिटी, तो अभी भी आप जो घर देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लू कलर के बहुत सारे हैं। तो इसके कई सारे रीज़न हैं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, कम से कम 8 से 10 रीज़न हैं यहाँ ब्लू घर होने के। चलते हैं मेन महल में जहाँ पर सारे महाराजाओं के सामान रखे हुए रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द एलिफेंट हौदा। पालकी रूम भी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा इस पर बैठते थे, महारानियाँ बैठती थी, उनके बच्चे बैठते थे, तो इसी पालकी से एक जगह से मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस दौरान यही था पालकी हौदा हो गया आपका हॉर्स का, एक एलिफेंट हौदा हो जाता है और एक हॉर्स हौदा होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था यही था, इसको इंग्लिश में पैलेंकिंस कहते हैं और इंग्लिश में हिंदी में इसको पालकी कहते हैं। आज चलते हैं दौलत खाना। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो था हौदा रूम, जहाँ पर जैसे पालकी हो गया आपका और हौदा एलिफेंट हौदा हो गया आपका। तो अब जब हम देखेंगे ये है रहेगा दौलत खाना। बाहर देख रहे हैं ये महाराजा अजीत सिंह का है। So next, what will we see?
शीश महल, फूल महल और तख्त विलास। ऊपर जाना पड़ेगा अब तो। जब महाराजाओं का जब समय था तो इस तरीके का ये टेंट्स बनाते थे। ये सारे डिजाइन आपको यहाँ पर मिलने को मिलेगा। यहाँ पर तख्त हॉल जिसे कहा जाता है। This is gorgeous. Wow. यह है फूल महल। तोप दे, जो तोप जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पर रखा हो गया। और जो तोप देखने के बाद जो लास्ट वन होता है ये चामुंडा देवी का टेम्पल। तो चामुंडा देवी जोधा जी इसलिए बनाते क्योंकि वो उनके जो बहुत मानते थे, जो महाराजा जोधा जी थे वो बहुत मानते थे। तो लगभग 1459 में ये मेहरानगढ़ फोर्ट को बनाया। और उसके एक साल बाद जस्ट फोर्ट के पीछे ही साइड चामुंडा देवी का एक मंदिर बनवाया उन्होंने। तो वो कभी भी युद्ध करने जाते थे तो यहाँ पर वो दर्शन करके ही जाते थे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चामुंडा देवी। फोर्ट 122 मीटर बंद तो गई थी लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो आप यहाँ पर जगह जगह पर देख सकते हैं कि इस तरीके का यहाँ पर कुआं बना हुआ रहता था। फोर्ट के आपके उस तरफ भी कुआं बना हुआ है। तो उसमें क्या होता था, इसको बनाने का एक कारण ये था कि जब बारिश का जब पानी आया तो इसमें आके कलेक्ट हो जाए और फिर उसे मतलब कि किसी भी यूज़ में ले सके। तो ऐसे ही आप चारों तरफ फोर्ट के आप छोटे छोटे कुएँ देखेंगे आप। तो उस वक्त की एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक होनहार एक मतलब कि जाति हुआ करती थी खंडालिया। तो खंडालिया क्या करती थी कि इस फोर्ट को बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा मतलब कि ऐसा तो बहुत लोगों का इसका सहयोग है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि वो खंडालिया। खंडालिया क्या करते थे कि ये पहले एक पहाड़ था तो पहाड़ को तोड़ने से पहले वो चेक करते थे वाइब्रेशन से कि कौन सा जो चट्टान है, कौन सा जो स्टोन है वो कमज़ोर है। तो फिर कमज़ोर हिस्सा जो होता था उसको वो निकाल देते थे। तो वो खंडालिया जो होते थे वो उनके अंदर ये एक काबिलियत होती थी इस चीज़ का कि वो कौन सा पत्थर कमज़ोर है, कौन सा पत्थर नहीं कमज़ोर है, किस पत्थर को ऊपर ले जाना है। भी कोई महाराजा जान जाता था कि अब आत्मसमर्पण का समय आ गया है। तो उनके जाने से पहले जो साफ़ा था, मतलब वैसे नॉर्मल डे में जो साफ़ा पहनते हैं ये रंग बिरंगा पहनते हैं, मतलब अलग अलग करके पहनते हैं। लेकिन जब ये आत्मसमर्पण जान जाते कि अब हम हारने वाले हैं तो उस वक्त मतलब ये सिचुएशन रहता था कि करो या फिर मरो। तो उस वक्त एक केसर कलर का वो साफ़ा पहनते थे। और उनके जाने से पहले अनुष्ठान मतलब केसरिया अनुष्ठान सुनाया जाता था। वेरीफाई कर देता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था इस चीज़ को लेकर कि जैसे कि अगर महाराणा हो गया आपका, महारावल हो गया तो इसका मतलब होता है महाराजा, राणा और रावल का मतलब होता है राजा। तो महाराणा का मतलब महाराजा और राणा का मतलब होता है राजा। तो ये मुझे डिफरेंस जो है ये काफ़ी जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब भी मैं ये डिफरेंस मैं जान पाया। और मारवाड़ में बहुत सारे आज के जो डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान के, तो वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि आपका हो जाता है बाड़मेर, जोधपुर, ये सब मारवाड़ है। और इनकी जो लैंग्वेज है मारवाड़ी है। और मेवाड़ में क्या हो जाता है जैसे कि जहाँ से जैसे हल्दी घाटी आपका युद्ध हो गया, वहाँ पे हल्दी घाटी हो गया। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।